करने का, वो आपको नहीं समझाया जाता कि वज़ाइफ का टाइम कौन सा है, वज़ाइफ किस टाइम से किया जा सकता है और कौन सा। अब टाइमों का भी हिसाब होता है ना। अब देखिए मगरिब के टाइम कौन सा है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं ये इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी मगरिब से पहले आप लोग अपने अपने घरों में चले जाया करें या मगरिब के टाइम बाहर ना निकला करें। मगरिब से आधा घंटा पहले बिल्कुल घर से बाहर ना निकला करें, बच्चों को निकलने ना दिया गया। असर और मगरिब के दरमियान तो बिल्कुल भी ना निकलने दिया करें। इसके बारे में मैंने बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी दिनों के हिसाब के बारे में, ठीक है ना, कि कौन सा दिन आपके लिए कैसा है, अच्छा है या नहीं है। और वक्त के बारे में बताऊंगी कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं, कौन से वक्त में आप अमल करें, वजाइफ करें, ये बारे में मैं पूरी तफसील से वीडियो आपको समझाऊंगी। आज का वजीफा आप ही की फरमाइश पर है, एक मेरी बहन है उनकी फरमाइश पर बहुत ज्यादा हमने, मुझे दुख भी बहुत ज्यादा है उनका और उन्हीं की वजह से ये पोस्ट किया गया है। मोहब्बत शोहर की हो या किसी अपनी की, ठीक है ना, सिर्फ 11 मरतबा आप पढ़ेंगे जो मैं आपको वजीफा आपको बताने लगी हूँ। जिससे चाहेंगे उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी भी होगी, और अगर शोहर का मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो जाएगा। अगर शोहर मारता है, गुस्सा करता है, नाराजगी का इख्तियार करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो जाएगा। वजीफा करने से पहले अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है, वजीफे को आपने नए दिनों में करना है यानी इस्लाम के दिनों में करना है, वजीफे को आपने फजर या इशा के टाइम या फिर तहज्जुद की नमाज के बाद करना है, ठीक है। और वजीफा जो सा है इतवार को करना है लाजमन। अगर दिन अगर आपको परेशानी हो रही है और आपने बहुत जल्दी करना है, फिर इतवार को कर सकते हैं, पीर को कर सकते हैं और बुध को कर सकते हैं, तो इन दिनों में आप वजीफा कर सकते हैं। जुमे वाले दिन भी कर सकते हैं, वो भी मोतबर है, और कोशिश करें कि मंगल और हफ्ते वाले दिन बस आपने वजीफा नहीं करना, ठीक है। और चांद के नए दिनों में वजीफा करना है आपने। क्योंकि यही तो सारी बात है कि आप वजीफा तो करते हैं लेकिन वजीफा असर क्यों नहीं करता, क्योंकि आप दिनों का हिसाब नहीं रख रहे होते। तरह तरह के वजीफे आपने शुरू किए होते हैं, पहले एक वजीफा करें, एक वजीफे को करते रहें, कम से कम एक वजीफे को 40 दिन तक उसको आजमाया करें। एक वजीफा करते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा, इस तरह आपको भी प्रॉब्लम होती है, बजाय काम सुधरने के उल्टे हो जाते हैं। वजीफा तरीके से करें, वजीफे के तरीके, हर कोई वजीफा, एक वजीफा किसी ने बता दिया वो कर लिया, दूसरा वजीफा किसी ने बता दिया वो आपने कर लिया, इस तरह नहीं, तरीके से वजाइफ करें, जो तरीका है। सबसे पहले आपने करना क्या है, वजीफा है बिस्मिल्ला शरीफ का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा आपने बिस्मिल्ला पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है। 700, ये 700 जो है उनके लिए है जिन जिनको प्रॉब्लम है अपने शोहर से, जिनको प्रॉब्लम है अपनी बीवी से, जिनको प्रॉब्लम है अपने किसी दोस्त अहबाब से, ये वो करेंगे। 786 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है, आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह इसके दिल में मेरी मोहब्बत को बुलंद कर दे। सजदे में जाके दुआ करें, अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 3 दिन में, ये आपको अमल पूरी जिंदगी के लिए बता रही हूँ, 3 दिन अमल करेंगे इंशाल्लाह दोबारा आपको अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 786 मरतबा खवातीन अपने जो है हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, भाई लोग अपने वाइफ के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद अगर शादी का पैगाम का कोई मसला है, अब 786 मरतबा आपने 7 दिन दरवाजे के सामने बैठ के करना है, जिससे आप जिस शरीयत लिहाज से, मैं ये नहीं कहती कि जो है तौबा नाज़ुबिल्लाह प्यार करना बुरी बात है या नहीं, मैं कहती हूँ तरीके से तरीका इस्तेमाल करें जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, शरीयत का ख्याल रख के, माँ बाप की इज्जत रख के। आजकल बहुत से लोग हैं ना, इज्जत का, अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं, वालदैन की इज्जत का भी ख्याल नहीं होता, ठीक है, उसका ख्याल रखें। 786 मरतबा आपने दरवाजे की तरफ ना, जहां पर आपका रास्ता है या जिधर उनका घर है, जिस तरफ से आप इंटर, मतलब कि उस, अगर देखें जिस स्ट्रीट या फिर जिस गली में उनका घर है या जिस तरफ वो रहते हैं, जिधर से आपको आना जाना है, आप
को सारा इस तरह नहीं समझ आ रही, तो अपने घर के दरवाजे की तरफ मुंह करके आपने ये पढ़ाई करनी है और दुआ करें कि अल्लाह पाक उनसे आपकी जो है शादी हो जाए, कि या अल्लाह पाक मैं आपसे ही इजाजत मांग रही हूँ, या मैं आपसे ही इजाजत मांग रहा हूँ, आप इतनी दुआ करें 7 दिन ये दरवाजे के सामने बैठ के अमल करें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर है इस वजीफे में कि रिश्ता आपके घर आ जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 2, अब इस वजीफे का इस्तेमाल एक और तरीका भी है, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ा जाए। आपके सामने मतलब के शादी के लिए कोई रिश्ते वाले आए हों, ठीक है, आप चाहते होंगे यहाँ पर हमारी शादी हो जाए, खवातीन है या मर्द हजरात है, बहन है या भाई है। आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तो उनके ऊपर दम करते हैं, फूक मारते हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं। जब शादी के लिए कोई रिश्ता देखने आए वहां पर छिड़काव करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के पानी का, दीवारों पर जमीन पर नहीं, वो आपका वहीं पर ही होगा इंशाल्लाह। ये तरीके हैं जिससे आप चाहते हैं कि शादी हो जाए, ये तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को 11 मरतबा पढ़ें, उसके बाद उसकी अम्मी और उसका नाम ले दें, उसकी वालदा और उसका नाम ले दें, उसकी मामा और उसका नाम ले दें, और दुआ करके सो जाएं कि अल्लाह पाक इससे मेरी शादी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 3 से 4 दिन बाद, अगर बशर्ते कि वो बात करता हो अपने घर में या बात करती हो अपने घर में, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक हर किसी के दिल को जानते हैं, तो आपके घर झुमसा अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता आ जाएगा। इसी के साथ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरी बात किसी की कुछ समझ ना आ रही हो, तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमन रब्ता करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको जो जो भी तरीका है वो जरूर बताएंगे। मैं वो तरीके आपको बता रही हूँ जो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप करें, अल्लाह पाक आपको भी हदायत दे अपने वालिदैन की इज्जत बरकरार रखने का और इस्लामी तरीके से चलने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।